वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस कुछ भी हो सकता है। आप चाहे SQLite 3 ले लो, चाहे MySQL ले लो, चाहे PostgreSQL ले लो। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कनेक्शन में, क्योंकि जो मोस्टली हमारी कमांड्स होती हैं वो तो SQL क्वेरीज ही होंगी। ठीक है, तो SQL जो हमारी क्वेरी होती है वो तो लगभग सेम होती हैं SQLite 3, PostgreSQL या फिर MySQL के लिए। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जैसे कि आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, या फिर यहाँ आपको सारी टेबल्स देखनी है, कौन कौन सी मेरे डेटाबेस के अंदर टेबल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फिलहाल SQLite 3 को चूज़ करने का मेरा मेन दो तीन रीज़न है। पहला तो कि भाई ये सिंपल है। ठीक है, सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपकी एक सिंपल सी फाइल बन के आ जाती है सेम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, जहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपका प्रोग्राम है। ओके, दूसरा रीज़न ये कि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने का मतलब है किसी और बंदे को देंगे, तो आपको क्या करना होता है कि सामने वाले बंदे के सिस्टम में SQLite 3 को इंस्टॉल करना है। ठीक है, और जो आपकी फाइल है वो अपने उसके exe फाइल जो आपने बना के दी अपने पाइथन की, उसके साथ में अपने डेटाबेस फाइल को दे दीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका डेटाबेस परफेक्टली वर्क करेगा। जबकि अगर आप MySQL या PostgreSQL वर्क के साथ में वर्क कर रहे हैं तो आपको एक डंप फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, डंप फाइल क्रिएट करके आप सामने वाले बंदे को देते हैं, फिर उसके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल करते हैं, फिर उस डम फाइल को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इतने झाड़ों से बचने के लिए सिंपल सा फंडा है भाई, SQLite 3 यूज़ कर लो। ठीक है, तो बताया सिंपल है, यूज़ करना सिंपल है इसको। अभी फ़िलहाल मैंने भी यूज़ नहीं किया है। तो हाँ, थर्ड रीज़न ये है कि SQLite 3 मुझे नहीं आता। ओके, तो साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे। ओके, तो अगर मुझसे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, यानी कि ऐसा ऐसे कोई गलती होती है, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि भाई आपने यहाँ पे गलत कर दिया है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ जस्ट आपकी तरह। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी आती है या फिर कोई आपको लगता है मैंने कहीं मिस्टेक की है, तो जस्ट कमेंट। ओके, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ऑनलाइन जाके कि भाई इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी हम कोई नई चीज़ को इंस्टॉल करते हैं तो सीधे उसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, वो हमें बताएगा एक्चुअल में करना क्या है। ओके, तो SQLite का हमारा होम पेज ये है। यहाँ पे जाके हम डाउनलोड पे क्लिक करें तो यहाँ पे दिखा रहा है एंड्रॉयड के लिए ये, ओके लिनक्स के लिए ये फाइल डाउनलोड करनी है, और MacOS के लिए ये फाइल डाउनलोड करनी है, और विंडोज़ के लिए ये करनी है। ओके, तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इन फाइल को, इन zip फाइल्स को देखिएगा। ठीक है, फिर डबल क्लिक करके देखिए इसके अंदर है क्या, एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करके देखना इसके अंदर है क्या। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक इसे इंस्टॉल नहीं किया है, इस तरीके से इंस्टॉल नहीं किया है। लेकिन अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ठीक है, और स्पेशली अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो यार बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है sudo apt cat install SQLite 3। ठीक है, इतना करेंगे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, आप अपना पासवर्ड एंटर करो, उसके बाद में लिख के आ जाएगा आपका आपके सिस्टम में SQLite 3 इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ऑलरेडी टू द न्यूएस्ट वर्जन। ठीक है भाई, तो मैंने कल ही किया है एक्चुअली ये इंस्टॉल, खाली चेक करने के लिए कि हमारे SQLite को उबंटू में इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, इतना करने के बाद में आपके सिस्टम में SQLite 3 को इंस्टॉल करने के बाद में, अगर हाँ आप विंडोज़ यूज़र हैं, आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली करना क्या है, तो मैं काम करूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि भाई कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, विंडोज़ में कोई वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ओके ओके, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा पाई चार्ट वापस ओपन करते हैं। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, फिर से गूगल करेंगे और गूगल पर जाके सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे भाई SQLite Python। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हमारे सामने आता है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, तो एक्चुअली मुझे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन समझ में नहीं आता है, तो हम कोई और साइट देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट का भी यहाँ पे लिंक है, और इनकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती है एक्चुअली। ठीक है भाई, तो ओके ओके ओके, कि अगर प्रोग्राम हो तो हम उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोग्राम है। ठीक है, तो हमें सिर्फ लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है। ओके, तो SQLite 3 डॉट कनेक्ट, इसके थ्रू अपने डेटा उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है भाई, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब हम सर्च करते हैं कि क्या हमारा जो SQLite है, लाइब्रेरी है पाइथन के लिए, वो पहले से इंस्टॉल्ड होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो SQLite 3 लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन पाइथन। ओके ओके, अगर आपका पाइथन है, नहीं ये भी नहीं है भाई,
ओके, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यार यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एसक्यूएलआईट 3 मॉड्यूल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर पहले से इंक्लूडेड है। ओके, दैट्स गुड। तो अब हमें पता लग गया है कि भाई पाइथन में लाइब्रेरी एसक्यूएलआईट की पहले से आती है, तो हमें कुछ भी अलग से अब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हमें करना है सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएलआईट को इंस्टॉल करना है। ओके, तो हम लिखेंगे इम्पोर्ट एसक्यूएलआईट। ओके, ठीक है। इतना करने के बाद में अब हम जाते हैं अपने इस ट्यूटोरियल वाले पेज पे। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई डेटाबेस को ओपन करने के लिए आपको ये कमांड लिखनी है, ठीक है भाई। कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। ओके, और इसके नीचे हम एक लाइन प्रिंट कर देते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ कि नहीं हुआ। ओके, जैसे उन्होंने लिखा था ट्यूटोरियल पॉइंट पे कि ओपन सक्सेसफुली। ओके, सक्सेसफुली रन किया, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो गया ओपन सक्सेसफुली, कोई एरर वगैरह नहीं आई। यार सक्सेसफुली की स्पेलिंग कितनी गंदी है। ओके, तो फिलहाल हमारी कोई एरर नहीं आई। और एक चीज़ अभी मैं नोटिस करी है कि हमारी वो फाइल क्रिएट हो गई जिसके बारे में बात कर रहा था, कि जब भी आप कोई नया डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, आप कोई नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो आपकी यहाँ पे फाइल बन जाती है। ओके, तो आप जब भी इस प्रोग्राम को किसी और बंदे को देते हैं तो ये फाइल उसको साथ में दे देंगे, तो हमारा परफेक्टली डेटाबेस के साथ में हमारा पाइथन वर्क करेगा, ठीक है। हाँ, एक बात और कि अगर आप किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ पे बहुत सारे कंकरेंट यूज़र्स हैं, कि एक साथ बहुत सारे यूज़र डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो ऐसे में एसक्यूएलआईट 3 कभी नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो ऐसे में MySQL अगर आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यार इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने देखा था कि इंस्टॉल कैसे करना है, ओके, उबंटू में कैसे इंस्टॉल करना है हमने ये देखा। उसके बाद में हम किसी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं कैसे करना, तो वो हमने देख लिया इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि टेबल्स वगैरह को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।